उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक्रा गांव में 150 मीटर तक सड़क के मुख्य मार्ग पर 4 साल से बनी नदी के कारण ग्रामवासी खासा परेशान हैं। गांव के पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल तक जाना दूभर हो गया है, क्योंकि यहां के मेन सड़क पर पोखरे की तरह पानी इकट्ठा होने से बच्चे पानी में गिर जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, गांव में गंभीर बीमारियां फैलने लगी हैं, आसपास के तमाम लोग बीमार पड़ चुके हैं। यहां पर 100 मीटर दूर सड़क बन के नाली बनी हुई है और वहां के आए लोग वहां बीमार पड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम आप बच्चे जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं और वहां के नालियाँ है बिल्कुल अतिक्रमण की गई है और 4 साल से वहां का स्थानीय लोग कहना है 4 साल से इसी व्यवस्था वहां पर है। 4 साल से अगर अतिक्रमण है वहाँ और नालियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, नालियों से पानी निकल नहीं रहा है, ये सबसे पहले तो वहाँ जो समुदाय है उसकी जिम्मेदारी है। वहाँ ग्राम प्रधान चुना गया होगा, वहाँ ग्राम पंचायत बनी हुई है, सरकार ने ग्राम पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया है, वहाँ राज्य वित्त है, वहाँ छोटवा वित्त है, कार्य योजना बना करके पंचायत जो कार्य करा सकती है सभी कार्य करा सकती है, परंतु अगर ऐसा नहीं करा पा रहे हैं, ग्राम पंचायत अपने कार्य में विफल है, ग्राम प्रधान विफल हो गए हैं, फिर उसका संज्ञान हम लेते हैं, उससे पहले बी डी ओ साहब उसका संज्ञान लेते हैं, निश्चित रूप से ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के अगर मान्यता है तो उनके वित्तीय अधिकार सीज होंगे और फिर उस कार्य को प्रशासनिक आधार पर कराया जाएगा। परंतु जो 73वां 74 जनपद हरदोई के थाना पिहानी के राभा पावर हाउस सब स्टेशन ओवरलोड होने की वजह से आए दिन विद्युत विभाग कर्मचारियों में मारपीट हो रही है। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कर्मचारियों से हुई मारपीट से साफ तौर पर जाहिर है कि प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का दावा कर रहे थे, लेकिन यहां अभी भी बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विख्यात शिक्षाविद महान दर्शन शास्त्री भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को याद करते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ छाया चरित्र की पूजा अर्चना कर मनाया गया एवं समाज के लिए उनके महान कार्य को याद किया गया। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विशेष अतिथि के रूप में तो हमारे डायरेक्टर सर हैं और हम सब शिक्षक हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी उन्होंने तैयारी की है, ये इसी तरीके से हर साल बहुत बड़ा भव्य आयोजन करते हैं हम सारे शिक्षकों के लिए। बच्चों में आज के लिए अगर देखें तो उत्साह बहुत है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है बच्चों की सोच में। आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे है और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर में टीचर्स डे सेलिब्रेशन का आयोजन संस्थान के स्टूडेंट्स ने किया है। इसमें सभी स्टूडेंट सभी टीचर्स को टाइटल दिए जाएंगे, उनको उनका कैरेक्टर उनके वो किस तरह से पढ़ाते हैं उसके बारे में बात होगी और फिर स्टूडेंट्स एंटरटेन करेंगे टीचर्स को और कुछ। रामपुर जिले की कोतवाली टांडा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसओजी व स्थानीय पुलिस ने मिलकर देह व्यापार की सूचना पर निकटवर्ती गांव में छापा मारकर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तीनों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मकान की तलाशी व महिलाओं के बैग की तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। सर, टांडा क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है जहाँ पर 2-3 महिलाएं जो हैं पुलिस द्वारा पकड़ी गई हैं। क्या है? एक लड़की ने शिकायत की थी कि टांडा क्षेत्र की एक महिला से उसकी मुलाकात हुई, परिचय हुई, नौकरी दिलाने के बहाने उसे उसने अपने घर बुलाया, वहाँ घर जाने के बाद उसने उसे बंधक बना लिया और उसे वो वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलना था। किसी तरह से उससे बच करके वो महिला निकल गया, उसकी उस शिकायत पर अभियोग दर्ज किया गया। इस महिला जिसकी शिकायत की गई थी
उसकी आम रेपुटेशन के बारे में थाने वालों को भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, किंतु कोई शिकायतकर्ता नहीं मिल रहा था। उन्होंने तत्काल जिला मुख्यालय को खबर किया, एक राजपत्रित अधिकारी के साथ स्वाट टीम आई, थाना प्रभारी स्वाट टीम राजपत्रित अधिकारी देख रहे थे। इन्होंने जब उस स्थान पर रेड किया तो वहाँ दो बाहरी महिलाएं और एक उस घर की मालकिन जो ये सारा धंधा संचालित करते थे, ये तीन पकड़े गए। घर की जो मालकिन है उसका पति पहले से जेल में है। जो दोनों और महिलाएं पकड़ी गई हैं वो भी किसी न किसी बहाने से, किसी के माध्यम से यहाँ तक पहुँची थी कारोबार के सिलसिले में, और फिर इस संधे में इन बात, तो इस तरह से दो मुकदमा लिख करके जो घर की मालकिन है जिसके द्वारा ये सब कुछ संचालित किया जा रहा था उसके खिलाफ, और दो महिलाएं जो इस धंधे में शामिल पाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद कोतवाली बिलारी के गांव सनाई में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का शव मिला है। परिजनों का आरोप है कि दो दिन पूर्व ही चंद्रपाल को जान से मारने की धमकी मिली थी। कल शाम को गांव के ही एक व्यक्ति प्रेमपाल दारू पिलाने के बहाने चंद्रपाल को अपने साथ लेकर गया था और वह घर वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। सनाई में चंद्रपाल कश्यप, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है, संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पास में एक गन्ने के खेत के किनारे मृत्यु हुई है। इनकी डेड बॉडी के पास से शराब की एक प्लास्टिक की बोतल मिली है और शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान अभी देखने से प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इनका पोस्टमार्टम कराकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, कोई घर वालों की पूछताछ में कुछ आपने पूछताछ में कुछ लगा, आपको क्या लगा? घर वालों की पूछताछ में एक तथ्य तो स्पष्ट हुआ है कि ये शराब पीने के आदि थे और काफ़ी मात्रा में शराब पिया करते थे, ऐसा घर वालों का कहना है। किंतु हम घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन कर रहे हैं, कौन इनके साथी थे, किस प्रकार से ये मृत्यु हुई और मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, तदुपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पर पत्थरबाजी में घायल हुए पूर्व विधायक व मंत्री कैलाश वर्मा को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा अपनी गाड़ी से उन्हें ले जाना चाहा तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट।